क्या धोखेबाज है अजीत जोगी? झूठा जाति प्रमाण पत्र क्यों दिया? झूठे प्रमाण पत्र से बन गए मुख्यमंत्री, अब क्या जेल जाएंगे? आज जो कहानी हम आपको बता रहे जा रहे हैं वह कहानी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी कहानी है। मध्य प्रदेश की राजनीति और छत्तीसगढ़ की राजनीति से उसका गहरा रिश्ता है। वैसे तो देश की राष्ट्रीय राजनीति और कांग्रेस की राजनीति से भी उसका गहरा रिश्ता है। यह कहानी एक झूठे इंसान की भी है जो झूठा प्रमाण पत्र देकर, झूठा आदिवासी प्रमाण पत्र देकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। आप समझ ही गए होंगे कि हम कहानी किसकी बता रहे हैं। इस इंसान का नाम है अजीत जोगी। अजीत जोगी जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद इंदौर के कलेक्टर रहे और इंदौर से ही उनको राजनीति का चस्का लगा। जी हाँ, हुआ यह कि जब वे इंदौर के कलेक्टर थे तब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश की राजनीति में घुचाल आया। सुरेश सेठ जो कि स्वायत्त शासन मंत्री थे और यज्ञदत्त शर्मा जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, इन दोनों राजनीतिज्ञों को निपटाने के लिए, उनको ठिकाने लगाने के लिए अजीत जोगी का इस्तेमाल किया गया और यह इस्तेमाल किया अर्जुन सिंह ने अजीत जोगी के माध्यम से। अजीत जोगी उस समय कलेक्टर थे और अजीत जोगी को असीमित अधिकार दे दिए गए। धीरे धीरे इन दोनों राजनीतिज्ञों का कद घटता चला गया और बाद में तो हालत यह हुई कि सुरेश सेठ भी इस्तीफा देकर घर बैठ गए और यज्ञदत्त शर्मा के भी बुरे दिन आ गए। लेकिन अच्छे दिन आए तो अजीत जोगी के। वे अर्जुन सिंह के खास होते चले गए। खास होने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं चार उठी और जब मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो फिर अजीत जोगी छत्तीसगढ़ की राजनीति में चले गए। वहाँ वे मुख्यमंत्री बन गए और किस तरह से उन्होंने एक झूठा प्रमाण पत्र आदिवासी होने का दिया और इसी झूठे प्रमाण पत्र के दम पर उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री तक बना लिया। वे 5 साल तक वहाँ मुख्यमंत्री रहे और दूसरे दौर में वे चुनाव वहाँ हार गए। उसके बाद सरकार बदल गई, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। अजीत जोगी इसके बाद कांग्रेस से भी मोर्चा ले बैठे और कांग्रेस से हटकर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। चुनाव में इस पार्टी को भी जबरदस्त शिकस्त मिली और अब जो पोल खुली है वह तो बेहद चौंकाने वाली है। पोल यह खुली है कि अजीत जोगी ने जो प्रमाण पत्र जाति का दिया था कि वे आदिवासी हैं, वह प्रमाण पत्र जाँच के बाद झूठा पाया गया है। सवाल इस बात का है कि राजनीति के इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री के पद तक बैठ चुका था, उसके बारे में जो जानकारी सामने आई है उसने लोगों को चौंका दिया है, आम जनता को चौंका दिया है कि किस तरह से गलत प्रमाण पत्र के आधार पर यह व्यक्ति न केवल IAS बना, कलेक्टर बना, बल्कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन गया। और अब जो पोल खुली है उसके बाद सभी हतप्रभ हैं। कुल मिलाकर यह कहानी बताती है कि भारतीय प्रजातंत्र, जो लोकतंत्र जिसे कहा जाता है, उसमें किस तरह से पोल पट्टी चलती है कि एक व्यक्ति सत्ता के सारे सुख भोग लेता है एक गलत प्रमाण पत्र के आधार पर, और जब सच्चाई सामने आती है तो जो बात सामने आती है, जिस तरह से पोल खुलती है उससे पता चलता है कि कितनी बड़ी धांधली की जा रही थी। एक आम आदमी के लिए तो यह पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है। कुल मिलाकर देखने वाली बात यही है कि अब अजीत जोगी के खिलाफ झूठा प्रमाण पत्र देने के आरोप में क्या कार्रवाई की जाती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।